चैप्टर 12 इज एक्चुअली अ लाइफ आफ्टर दैट रो बिटवीन राल्स्टन एंड चिप्स. यू कैन से व्हाट हैपेंड आफ्टर 1908 टिल 1911 दैट हैज बीन ओकेजनली मार्क्ड. बहुत कम इसके हवाले से जो है इस चैप्टर में जिक्र आता है. इनफैक्ट इट मूव्स टू 1911 व्हेन राल्स्टन लेफ्ट स्कूल. 1911 में जब राल्स्टन ने ब्रूफील्ड स्कूल छोड़ दिया था और एक और स्कूल की हेडशिप ले ली और स्कूल में एक नए हेडमास्टर चैटरिस ने एज सक्सेसर ज्वाइन किया था. सक्सेसर of Ralston was even younger than Ralston. Ralston की 37 साल उम्र थी, Chatteris की 34 साल है. लेकिन Chatteris जो है वो चिप्स के साथ बड़ा फ्रेंडली और सिंपैथेटिक रहा. दोनों के रिलेशन अच्छे रहे क्योंकि Chatteris को ये आता था कि कैसे ओल्ड और यंग का कम्बिनेशन जो है उसे कायम रखना है. उसके बाद चिप्स की रिटायरमेंट की बात होती है, यानी 1913 में 1913 के साल में चिप्स जो है सर्दियों के मौसम में बीमार पड़ के खुद ही रिटायरमेंट का फैसला करता है. इस वक्त उसकी उम्र 65 ईयर या 65 साल है. उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो अगला साल है 1914 है, जो हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि इसी साल जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई और इसकी बिगनिंग क्या थी. स्कूल में एक जर्मन टीचर थे, उनके साथ क्या उनका क्या जिक्र है, ये सारी बातें जो हैं अब इस चैप्टर में हम पढ़. तो फर्स्ट अब्दुल्ला यू कैन रीड. हेलो यस रीड प्लीज. सर अब्दुल्ला जी वो तो म्यूट हुआ है. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सो ही स्टेड पढ़ू सर मैं. यस यस भाई. So he stayed on at Brookfield, having as little to do with Ralston as possible. And in 1911, Ralston left to better himself. He was offered the headship of one of the greater public schools. His successor was a man named Chatteris, whom Chiefs liked. He was even younger than Ralston had been, 34. He was supposed to be very brilliant at any rate. He was modern, natural sciences tripos, friendly and sympathetic. Recognizing in Chiefs a Brookfield institution, he courteously and wisely accepted the situation. Is tarah Chiefs Brookfield mein hi raha kyunki Sir John Rivers ne governors ka faisla use bataya tha ki jab tak wo chahe yahan reh sakta hai, hatta ki 100 saal bhi agar uski umar ho to wo यहां स्टे कर सकता. इसलिए इस वाक्य के बाद चिप्स ने जहां तक मुमकिन हुआ राल्स्टन से कम वास्ता रखा. 3 साल बाद 1911 में राल्स्टन अपने आप को बेहतर करने की खातर ब्रूकफील्ड छोड़कर एक दूसरे स्कूल में चला गया क्योंकि उसे एक बेहतर बड़े पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपलशिप या हेडशिप
पेश की गई थी। राल्स्टन का जानशीन चैटरिस था, जिसे चिप्स बहुत पसंद करता था। हालांकि चैटरिस उम्र में राल्स्टन से भी कम उम्र 34 साल का था और बहुत ज़हीन था, हर लिहाज से काबिल और जदीद दौर का इंसान था। नेचुरल साइंसेस में उसने ट्राइपोस किया था। ये ट्राइपोस कैम्ब्रिज में किया जाता है। ये हमारे यहाँ जैसे अब ऑनर्स प्रोग्राम है, बीएस ऑनर्स डिग्रीज होती हैं आजकल, तो उसको सिर्फ बीएस या बीए ऑनर्स कहते हैं। तो ये इसी तरह जो है वहाँ ट्राइपोस था। चैटरिस बहुत दोस्ताना मिजाज रखने वाला हमदर्द इंसान था। उसने चिप्स को ब्रूकफील्ड इंस्टीट्यूशन की तरह समझा और बड़े शायस्ता और दानिशमंद तरीके से इस सूरत हाल को कबूल कर लिया। यस कंटिन्यू। हेलो Read the next paragraph. It was a good ripe age, and Alaston's straight words had, in some ways, had an effect. He felt that it would not be fair to hang on if he could not decently do his job. Besides, he would not sever himself completely. He would take rooms across the road with the excellent Mrs. Wickard, who had once been linen room maid. He could visit the school whenever he wanted and could still, in a sense, remain a part of it. वो सांस का मसला ब्रोंकाइटिस हुआ और सर्दियों की टर्म में तकरीबन सारा वक्त वो रुखसत पर छुट्टी पर रहा। यही वो वक्त था जब चिप्स ने फैसला किया कि मौसम गर्मा में वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो 65 साल का हो गया है। और ये बिल्कुल एक पुख्ता एज है, राइप एज है, जब ऐसा करना चाहिए। राल्स्टन के लव्स भी किसी न किसी तरह उसके जहन पे थे और उसका असर भी था। उसने महसूस किया कि अब इस तदरीस को, टीचिंग को जारी रखना ठीक नहीं होगा अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। इसके अलावा वो कुछ ज्यादा सख्ती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे सड़क के दूसरी तरफ कुछ कमरे या कुछ जगह किराए ले लेनी चाहिए, जैसा कि मिसेस विकेट के घर में हो सकता है, जो पहले कभी लीनन रूम में काम करने वाली मुलाजमा थी। इस तरह वो जब चाहे स्कूल आ सकता है और एक तरह से रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल का हिस्सा रह सकता। At that final end-of-term dinner in July 1913, Chiefs received his farewell presentations and made a speech. It was not a very long speech, but it had a good many jokes in it and was made twice as long, perhaps by the laughter that impeded its progress. There were several Latin quotations in it, as well as a reference to the captain of the school, who Chiefs had been guilty of exaggeration
in speaking of his chief's services to Brookfield. But then he comes of an exaggeration family. I remember once having to thrash his father for it. Laughter. I gave him 1 mark for a Latin translation, and he exaggerated the 1 into 7. Roars of laughter and tumultuous cheers. A typical Chip's remark, everyone thought. जुलाई 1913 में टॉम डिनर के मौका पर चिप्स ने अपनी अलविदाई तहाइफ वसूल किए और इस मौके पर एक तकरीर की, यानी ये चिप्स की फेयरवेल पार्टी थी, अलविदाई पार्टी थी, जिसमें उसकी रिटायरमेंट का अनाउंस किया गया। ये कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत सारे जोक्स या लतीफे शामिल थे। और इसमें गूंजने वाले कहकों की वजह से ये अपनी असल से तकरीबन दुगना वक्त ले गई, क्योंकि जगह जगह रुक कर जब कोई लतीफा सुनाया जाता था तो लोग तालियां बजाते थे, कहके लगाते थे, तो इसका तसलसल जो है वो टूटता रहा। चिप्स की इस तकरीर में कई लातीनी जबान के मकूले कोटेशंस शामिल थी, हत्ता कि उसने अपनी तकरीर में उस लड़के की भी खूब खबर ली जो उस वक्त स्कूल का कैप्टन था और जिसने चिप्स की खिदमात के इतराफ में एक तकरीर की थी, रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल। तो उसमें इस चिप्स की इस तकरीर में स्कूल के इसी कैप्टन का हवाला भी था, क्योंकि चिप्स ने जब ये कहा कि इस लड़के को, यानी ये जो कैप्टन है, इसे चिप्स की ब्रूकफील्ड के लिए दी गई खिदमात के बयान में एग्जेजरेशन या मुबालगा राई पर एक एहसास नदामत या गिल्टी होने का एहसास जरूर होगा, क्योंकि जो कुछ इसने किया है वो सच नहीं है, वो इसने बहुत बढ़ा चढ़ा के किया। फिर इसी पर चिप्स ने बस नहीं किया, बल्कि चिप्स ने जो कहा वो आगे कोर्ट्स में लिखा गया है। चिप्स ने कहा कि ये लड़का कैप्टन बिलाखिर एक मुबालगा राई करने वाले खानदान से ताल्लुक रखता है, एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जो एग्जैजरेट करते हैं। और फिर एक वाक्या भी सुनाया कि मुझे याद है एक बार मैंने इसके वालिद साहब की पिटाई की थी। अब जाहिर है जिस कैप्टन ने बेचारे ने अभी अभी चिप्स के लिए इतने अच्छे अल्फाज बोले थे और चिप्स ने आगे जो है आके उसको ही लताड़ दिया, तो सारे मजमा जो था उन्होंने कह के लगाने शुरू की। चिप्स ने बताया कि मैंने इस लड़के के वालिद को 1 नंबर दिया था लैटिन ट्रांसलेशन के सवाल में या ट्रांसलेशन तर्जमे वाले सवाल में, और उस वक्त जब वो खुद तालिबे इल्म था तो उसने 1 को जो है वो 7 में बदल लिया था, जैसे लड़के बाद का अपने मार्क्स की टेम्परिंग करते हैं। तो कहता उसने 1 का 7 7 बना लिया था, 1 को 7 में जो है वो डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। इसमें जोर का कहका बुलंद हुआ, तालियां बजी, क्योंकि ये रवायती चिप्स का जुमला है, हर किसी ने यही समझा कि चिप्स, ये चिप्स का स्टाइल है, ये चिप्स का रिमार्क है, टिपिकल चिप्स रिमार्क है, चिप्स इसी तरह से बातें करते हैं। ओके, नेक्स्ट दानियाल, आई थिंक ही इज नो मोर हियर। सिकंदर, यू कैन रीड।
अकबर अली, यू कैन रीड. यस सर एंड देन ही मेंशनड दैट ही हैड बीन एट ब्रूकफील्ड फॉर 42 इयर्स एंड दैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर. इट हैज बीन माय लाइफ ही सेड सिंपली. Or maybe Praetoritos referred siege Jupiter Annos. I need not, of course, translate much laughter. I remember lots of changes at Brookfield. I remember the first bicycle. I remember when there was no gas or electric light and we used to have a member of the domestic staff called a lamp boy. He did nothing else but clean and trim and light lamps throughout the school. I remember where there was a hard frost that lasted for 7 weeks in the winter term. There were no games and the whole school learned to skate on the fence. 1880 something that was. I remember when 2/3 of the school went down with German missiles and big hall was turned into a hospital ward. I remember that great bonfire we had on Mafeking night. It was lit too near the pavilion and we had to send for the fire brigade to put it out. And the firemen were having their own celebrations and most of them were in a regrettable condition. Laughter. I remember Mrs. Brühl, whose photograph is still in the tuck shop. She served there until an uncle in Australia left here a lot of money. In fact, I remember so much that I often think I ought to write a book. Now, what should I call it? Memories of road and lines, cheers and laughter. That was a good one. People thought one of Chip's best. Well, perhaps I should write it someday. But I would rather tell you about it. Really, I remember. But chiefly, I remember all your faces. I never forget them. I have thousands of faces in my mind. Very the faces of boys. Okay. Very important line of this novel. I remember, but chiefly I remember all your faces. Yes, sir. If you come and see me again in years to come, as I hope you all will, I shall try to remember those older faces of yours. But it's just possible I shall not be able to, and then someday you will see me somewhere and I shall not recognize you. And you will say to yourself, the old boy does not remember me. Laughter. But I do remember you as you are now. That's the point. In my mind, you never grow up at all. Never. Sometimes, for instance, when people talk to me about our respected chairman of the Gunners, I think to myself, oh, yes, a jolly little chap with hair that sticks up on top. And absolutely no idea whatever about the difference between a gurnard and a gerund and a gerund div. Loud laughter. Well, I must not go on. All right. Think of me sometimes as I shall certainly think of you. Hoic olim eminisi bit. Again, I need not translate. Much laughter and shouting and prolonged cheers. चिप्स ने अपनी तकरीर में क्या कहा उसका जिक्र यहां पर है. फिर उसने बताया कि वो 42 साल तक 42 ईयर इस स्कूल में रहा है और बहुत खुश रहा. यही उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है. यही उसकी पूरी जिंदगी है ये कह सकते हैं. फिर उसने लैटिन लैंग्वेज
चूंकि वो लैटिन ही पढ़ाता था, तो लैटिन का एक कोट पेश किया और बोला मुझे इसकी ट्रांसलेशन या इसका तर्जमा करने की जरूरत नहीं। दोबारा लड़के जो हैं उन्होंने कह के लगाया, फिर बोलना शुरू किया कि मुझे याद है ब्रूकफील्ड में बेशुमार तब्दीलियां आई हैं, मुझे ये भी याद है कि पहली दफा बाइसिकल कब आई थी। इसमें गालबन यही मुराद है कि पहली बार कब इस स्कूल का कोई टीचर या स्टूडेंट जो है वो बाइसिकल पर आया। मुझे याद है कि चूंकि साइकिल उस जमाने की नई इजाद थी इसलिए भी इसका जिक्र है। मुझे याद है कि यहाँ कोई गैस या इलेक्ट्रिक लैंप नहीं होते थे और हमारे पास एक मुलाजिम था जिसे लैंप बॉय कहते हैं। और लैंप बॉय का काम इसके सिवा कुछ नहीं था कि वो लैंप को साफ करता। और आपने कभी लालटेन या लैंप देखी हो तो उसके अंदर एक बत्ती होती है, उसको फिर काट के दुरुस्त करते, इसको ट्रिम कहते। उसकी बत्ती को दुरुस्त करता। मुझे याद है कि जब शदीद बर्फ जम गई थी और 7 हफ्तों तक सर्दियों के मौसम में बर्फबारी हुई और कोई गेम स्कूल में नहीं हो सकी, और स्कूल वालों ने, स्कूल के तालिब इल्मों ने फेंस पर स्केटिंग करना सीखी, या स्कूल के बच्चे फेंस पर स्केटिंग करते रहे। फिर याद करता है कि शायद ये 1880 या उसके करीब कोई साल था। 1870 में वो यहाँ आया, 1880 और ये 1913 है जिस वक्त ये बातें की जा रही हैं। तो बहुत सारे लोग तो उस वक्त के अब बाकी भी नहीं है उसके साथ। फिर कहता है कि मुझे याद है जब स्कूल की 2/3 तादाद को, 2/3 स्टूडेंट को खसरा या जर्मन मीजल्स का सामना करना पड़ा। पहले बहुत वबाएं फैलती थी और उन वबाओं से बहुत लोग मरते, वबाएं अब भी फैलती हैं लेकिन उनसे मरने वालों की तादाद बहुत कम है। और एक बड़े हाल को, यानी स्कूल के हाल को, हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील करना पड़ा था। तो इस तरह के मौके भी स्कूल में आए कि स्कूल में ही जो है एक हॉस्पिटल वार्ड कायम की गई। आप इस तरह की वार्ड जो है आप जानते हैं कि इस साल एक्सपो में, एक्सपो सेंटर है लाहौर में, वहां पर कायम की गई थी कोरोना की पहली लहर के मौके पर। मुझे याद है कि एक बड़ा बॉनफायर हुआ और हमने मेफ किंग नाइट मनाई। ये बॉनफायर या आग जलाते हैं एक पुराना जो है वो रवाज है। तो कहता है कि ये पवेलियन के करीब ये आग जलाई गई थी लेकिन ये चूंकि पवेलियन के बहुत करीब थी तो फिर हमें आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था। पुट आउट, आग बुझाना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको नोट पिक करें।
और उस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला था, आग बुझाने वाले थे, क्योंकि उनकी भी तकरीबात चल रही थी, वो बहुत ही काबले अफसोस हालत में यहाँ आए थे। इस पर भी कह के लगते हैं। फिर चिप्स अपनी यादों का सिलसिला बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे मिसिस ब्रूल याद आती हैं, जिसकी तस्वीर स्कूल के टक शॉप में लगाई गई है या अभी भी मौजूद है। किसी को उसका नाम मालूम नहीं, किसी ने उसको जो है यहाँ देखा नहीं अब, लेकिन बरसों पहले वो यहाँ होती थी, काम करती थी, टक शॉप चलाती थी। फिर उसके ऑस्ट्रेलिया में कोई अंकल थे जो अपनी दौलत उसके लिए छोड़ के मरे। इंग्लैंड की हिस्ट्री में यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लैंड के वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके आबाद हुए, उनकी दौलत को नजायज़ दौलत समझा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस नजायज़ दौलत को जायज़ समझ लिया गया। उन्होंने वहाँ जाकर ये दौलत अपने रिश्तेदारों को भी भेजी। जैसे ये मिसिस ब्रूल है, तो उसका कोई अंकल जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया गया, ज़्यादा चांस ये होगा कि वो किसी मुकदमे में फंसा होगा और मुल्क बदर किया गया होगा और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा होगा, तो इंग्लैंड में उसकी हैसियत एक चोर और एक कॉन्विक्ट मुजरम की है। लेकिन यही मुजरम जो है ऑस्ट्रेलिया को जाके आबाद करते हैं और वहाँ से दौलत जमा करते हैं, और ये दौलत वो इंग्लैंड को जब वापस भेजते हैं तो इनके रिश्तेदारों के लिए बेहतरी है। तो ऐसा ही मिसिस ब्रूल के साथ हुआ, उसने जॉब ही छोड़ दी इसके बाद, या टक शॉप चलाना छोड़ दिया। दरअसल मुझे बहुत सी बातें याद हैं, कई दफा मैं सोचता हूं कि मैं इस पर कोई किताब लिखूं, लेकिन किताब का नाम क्या रखूं, किताब का उन्वान क्या हो, और खुद ही बताता है मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइंस। रॉड आप जानते हैं कि छड़ी को, स्टिक को कहते हैं, और लाइंस लकीरें निकलवाई जाती हैं बच्चों से सजा के तौर पर। तो ये तो फेंटी की यादें हो गई, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइंस, स्कूल में पढ़ने वाली फेंटी की यादें। इस पर भी सारे जो ऑडियंस हैं वो कहके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, क्योंकि सबको लगता है मजे का टाइटल है, क्योंकि सबके साथ यहाँ स्कूल में यही हुआ है। ये तो खैर 1913 का एक इंग्लैंड का स्कूल है, जहाँ बैठे हुए हर तालिबे इल्म को ये मालूम है कि वो बगैर जो है फेंटी खाए स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन कम से कम मेरी नस्ल तक और इसके बाद के भी कुछ सालों तक हमारे इधर पंजाब के स्कूलों में, बल्कि पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में, कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो फेंटी खाए बगैर तालीम हासिल कर ले। ये तो जब परवेज अलाई पंजाब के वजीर आला थे 2002 से 2007 तक के ज़माने में, तो पहली बार जो है ये नारा लगाया गया था वर्ल्ड बैंक के कहने पर कि मार नहीं प्यार। और ये वो नारा था कि तलीमी इदारों पर तालिब इल्मों को सजा ना दी जाए, उन पर तशद्दुद ना किया जाए, बल्कि उनसे शफकत से पेश आया जाए। तो इस पर उस्तादों को तो जो दुख होना था वही तो कुदरती बात है, तालिब इल्मों को भी बड़ा सदमा पहुंचा था, और सबसे बढ़कर तालिब इल्मों के वालदैन को सदमा पहुंचा। कई तो बेचारे आके रोना पीटना उन्होंने डाल दिया स्कूलों में कि जी हमें तो इस तरह नहीं पढ़ाते थे, कि हमारे बच्चों को क्यों इस तरह पढ़ा रहे। तो ये अब स्कूल में कुछ कम जो है वो ये सिलसिला चलता है। अभी भी मैंने सुना है कि कुछ टीचर्स, खासतौर पे हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं,
उन्होंने स्केल रखे होते हैं, उससे काम चलाती हैं वो जो स्टील वाले जो स्केल है उससे, और कई हसरतें टीचर्स के मन में चल रही हैं। दैट वॉज अ गुड वन, कह सकते हैं कि अभी भी तीसरी दुनिया के मुल्कों में यही ख्वाहिश है कि तालीम जो है वो डंडे के जोर पर होनी चाहिए, मार्केट आइड के जोर पर ही होनी चाहिए। ये एक अच्छा टाइटल है, अच्छा उन्वान है, लोगों ने सोचा चिप्स के हिसाब से बेहतरीन है, और चिप्स ने आगे बात की, अच्छा शायद मैं लिखूं, लिखने में चिप्स अच्छा नहीं है, हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि उसने ऐसा सोचा था लेकिन वो कर नहीं सका, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताऊं, मुझे याद है, बहुत कुछ याद, मुझे आप सबके चेहरे याद, मैं कभी आप इन चेहरों को भूलता नहीं, मेरे जहन में हजारों चेहरे यानी हजारों तालिब इल्मों के चेहरे जो यहां से पढ़े हैं। अगर आप सालों बाद मेरे पास आप में से कोई आए और मुझसे मिले, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आएंगे मुझसे मिलेंगे, तो मैं आपका पुराना चेहरा याद करने की कोशिश करूंगा। यह मुमकिन है कि मैं आपको पहचान ना पाऊं। जब आप किसी दिन मुझसे मिले किसी जगह और मैं आपको ना पहचान सकूं और आपके कि बूढ़े को कुछ याद नहीं है या बूढ़े को मैं याद नहीं हूं, ये मुझे जो है वो पहचान ही नहीं रहा, दोबारा कह कर लगा द ओल्ड बॉय डजंट रिमेंबर मी, पर लेकिन चिप्स ने कहा कि आई रिमेंबर, लेकिन मैं तो आप सबको याद रखता हूं जैसे अब आप हैं, यानी बाद में तालिब इल्म का चेहरा उसकी हाइट कद काठ जैसे बदलता है वो मेरा, मुझे उससे कुछ वास्ता नहीं है, असल में इन डेस्क या बेंच पर बैठे हुए या चेयर पर बैठे हुए स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया था उनके वही चेहरे मेरी नजरों के सामने रहे, मेरे जहन में आप कभी भी बड़े नहीं हो, कभी भी। मिसाल को तो जब लोग मुझसे बात करते हैं गवर्नर्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के बारे में, तो कहता मैं यही सोचता हूं, यानी वो जो इस वक्त पूरे स्कूल को चला रहा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन है, कहता मैं उसको नहीं समझता कि वो कोई चेयरमैन है और वो उसकी उम्र जो है वो 70 साल है 60 साल क्या है, मुझे इससे कुछ लेना देना है, मैं उसको अपने तालिब इल्म के तौर पर ही बस याद करता हूं। तो मुझे याद आता है एक खुशबाश नन्ना सा तालिब इल्म जिसके बाल जो हैं स्टिक अप ऑन टॉप जो है जुड़े रहते थे, और मुझे कोई आए और उसे जो है बिल्कुल भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट जेरेंड और जेरेंडिव का फर्क पता नहीं चलता था, फिर दोबारा कह कर लगा क्योंकि जाहिर है कि ये जो हैं चेयरमैन ये भी यहीं पर मौजूद होंगे और खूब उन्होंने एंजॉय किया होगा कि ये मैं इसके सामने मौजूद हूं तो ये मुझे याद नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो बचपन यहां पे गुजरा हुआ है वो उसको कितना पक्का याद। मैं मजीद सारी रात आपका वक्त बर्बाद नहीं कर सकता यहां जो है वो लंबी तकरीर करके, इतना है कि किसी रोज मुझे मेरे बारे में सोचिएगा, क्योंकि मैं तो यकीनन आप लोगों के बारे में सोचूंगा। फिर वही लैटिन कोटेशन पेश करता है दोबारा उसी तरह, मुझे इसके तर्जुमे की बला क्या जरूरत है, लोग कह के लगाते हैं शोर मचाते हैं जोर जोर की तालियां बजती हैं और उसके बाद जो है चिप्स को रुखसत किया जाता है।
ये जुलाई का महीना था जब चिप्स रिटायर हुआ, इसके बाद अगस्त के महीने का जिक्र है, तो इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई लीव नाउ।